Dear students, assalamu alaikum. I am Miss Anisa, Islamian teacher of class 7. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 7. In lecture number 6, we have discussed about statement number 11 to statement number 15 of unit number 7, dua. और ये काम मैंने आपको याद करने के लिए भी दी थी, ये स्टेटमेंट 11 से लेकर 15 तक यकीनन आपने याद कर ली होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अपनी नोट्स खोल लीजिए, पेज नंबर 7। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेटमेंट नंबर 16 से। दुआ मांगने के अव्वल और आखिर में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना चाहिए, इससे दुआ कभी रद्द नहीं होती। स्टेटमेंट नंबर 17 है, कुरान मजीद में इरशाद होता है, अल्लाह और इसके मलाइका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी इन पर दुरूद व सलाम भेजो। स्टेटमेंट नंबर 18 है, दुआ में सबसे पहले माँ बाप, बहन भाई और रिश्तेदारों, अहबाब के लिए और पूरी उम्मत मुसलमा की सलामती और बका के लिए दुआ मांगनी चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 19 है, अपनी ज़ात के लिए सबसे आखिर में दुआ मांगनी चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 20 है, हमें हर दुआ में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ स्टेटमेंट नंबर 16 को। दुआ मांगने से के अव्वल व आखिर में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना चाहिए, इससे दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं, इसीलिए उन पर दुरूद व सलाम, अगर हम किसी भी दुआ मांगने से पहले उन पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। अब शुरू में भी दुआ के दुरूद व सलाम भेजते हैं और आखिर में भी दुआ के दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो अल्लाह ताला उस दुआ को कभी रद्द नहीं करते, अगर वो काम हमारे लिए बेहतर है तो। स्टेटमेंट नंबर 17 है, कुरान मजीद में इरशाद होता है, अल्लाह और इनके मलाइका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी इन पर दुरूद व सलाम भेजो। ये इरशाद कुरान मजीद में आया है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह पाक खुद और उनके मलाइका यानी कि फरिश्ते दरूद व सलाम भेजते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। जब अल्लाह ताला दरूद व सलाम भेज रहे हैं, फरिश्ते दरूद व सलाम भेज रहे हैं, तो हम कैसे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजें। तो ईमान वालों तुम भी इन पर दरूद व सलाम भेजो। अल्लाह ताला ने इंसानों से कहा है कि आप भी, मुसलमानों से कहा है कि आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजें। स्टेटमेंट नंबर 18 है, दुआ में सबसे पहले माँ बाप, बहन भाई और रिश्तेदारों, अहबाब के लिए और पूरी उम्मत मुसलमा की सलामती की बका के लिए दुआ करनी चाहिए। जब भी आप दुआ मांगें, सबसे पहले अपनी माँ के लिए, बाप के लिए, बहन भाई जो आपके करीबी हैं, रिश्ता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद आप अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगें, अपने दोस्तों के लिए दुआ मांगें और जिन लोगों से भी आपका ताल्लुक है उनके लिए आप दुआ मांगें, और फिर एंड में तमाम मुसलमानों के लिए, जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं सबकी सलामती के लिए और उनकी बका के लिए दुआ मांगें। और स्टेटमेंट नंबर 19 है, अपनी ज़ात के लिए सबसे आखिर में दुआ मांगनी चाहिए। जब आप सबके लिए दुआ मांग लें तो फिर आखिर में आप अपने लिए दुआ मांगें, अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। स्टेटमेंट नंबर 20 है, हमें हर दुआ में अल्लाह ताला का बेशुमार नेमतों का, अल्लाह की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने जो हमें इतनी नेमतें अदा की हैं, जो हम पूरा दिन उन नेमतों से फ़ायदे उठाते हैं, हमें आँखें दी हैं देखने के लिए, ज़ुबान दी बोलने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, हाथ दिए काम करने के लिए, पाँव दिए चलने के लिए, और उसके अलावा सारा दिन बेशुमार नेमतें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अता की, आराम आसाइश ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दिया हमें, तो हमें इन सब का, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सब का शुक्र अदा करें। तो इन सब का शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें तो पहले उसका, उसकी तारीफ़ बयान करें और फिर उसका शुक्र अदा करें जो कुछ उसने हमें अता किया है, और फिर बाद में आप दुआ मांगें।
स्टेटमेंट नंबर 16 से लेकर स्टेटमेंट नंबर 20 तक हमने आज पढ़ा है। घर का काम है, आपने सबक नंबर 7 दुआ की स्टेटमेंट नंबर 16 से स्टेटमेंट नंबर 20 तक याद करना है और लिखना भी है। इसमें से MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। लेक्चर नंबर 7 जो नेक्स्ट होगा हमारा, उसमें सबक नंबर 7 की स्टेटमेंट नंबर 21 से स्टेटमेंट नंबर 25 तक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।